क्या आपके बाल बिल्कुल फ्लैट हैं, उनमें कोई वॉल्यूम नहीं है? ऐसा लगता है जैसे कि बाल ग्रीजी हैं, उनमें ऑयल डाल के उनको कंघी कर लिया है। इतना ही नहीं, बालों को धोने के बाद उनको सुखा भी लिया है, इसके बाद भी उनमें कोई वॉल्यूम नहीं है। ऐसा आपके साथ या फिर सभी लोगों के साथ ऐसा होता है? ऐसा सभी लोगों के साथ होता तो बॉलीवुड एक्ट्रेस मॉडल्स इनके बालों में इतना वॉल्यूम कैसे दिखाई देता है? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पिंक्सी। मेरा नाम है आरती और आज मैं आपको बताऊंगी कि बालों में वॉल्यूम कैसे ऐड करें, वो भी एक भी रुपया खर्च किए बिना। इससे पहले मैं बता दूं कि प्रोफेशनल से दो तीन तरह की यूज करते हैं बालों को वॉल्यूम देने के लिए। इसमें पहला तरीका है ब्लो ड्रायर को यूज करके। इसमें ब्लो ड्रायर को बालों की जड़ों की तरफ पॉइंट करके इस्तेमाल किया जाता है। इस टेक्निक का यूज करने से बाल कुछ ही मिनट में बाउंसी हो जाते हैं। और दूसरा तरीका है बालों में वॉल्यूम ऐड करने का, वो है हेयर स्प्रे का यूज करके। हेयर थिकनिंग स्प्रे भी आता है, इससे बाल बाउंसी हो जाते हैं। अगर इन स्प्रे की कॉस्ट की बात की जाए तो ये 400-500 रुपये से शुरू होकर 3-4 हज़ार रुपये तक के आते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने बालों में अच्छे से कॉम्ब कर लेना है। बालों से सभी टैंगल्स को रिमूव कर लीजिए और उसके बाद में अपने बालों को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। बीच में से मांग निकाल के दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। इसके बाद में आपको अपने थोड़े से बाल लेने हैं, इस तरह जैसे कि मैं ले रही हूँ आगे से। इसके बाद इन बालों को हल्का सा गीला कर लीजिए। इसके लिए आप चाहे तो स्प्रे बॉटल से स्प्रे कर सकते हैं हल्का सा पानी, या फिर कंघे को हल्का सा गीला कर लीजिए और उससे अपने बालों को कॉम कर लीजिए, जिससे कि आपके बाल थोड़े गीले हो जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा गीले भी नहीं करने हैं। फिर उनको अच्छे से कॉम करने के बाद में इस तरह से उनको ट्विस्ट करिए। इसके बाद में इसका एक छोटा सा बन बना लीजिए इस तरह से। और हेयर पिन लगा के इसको सिक्योर कर लीजिए, क्योंकि हम हेयर स्टाइल नहीं बना रहे हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि बन बहुत खूबसूरत दिखे। इसके बाद में दूसरी तरफ से भी इस तरह से बालों को ले लीजिए और इसके बाद में बालों को हल्का गीला कर लीजिए और सेम इसी तरह से बालों को ट्विस्ट करिए और फिर बन बना के पिन से सिक्योर कर लीजिए। इसी तरह मैं अपने पूरे बालों को टाई कर लेती हूँ। तो हमने अपने सारे बालों को इस तरह से टाई कर लिया है। मैंने 6 बन बनाए हैं। अगर आपके बाल ज़्यादा मोटे हैं तो आप इसकी जगह 8 बन बना सकते हैं। अब मैं 20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, अब मैं अपने बालों को खोल लेती हूँ। एक एक करके आपको अपने सभी बन खोल लेने हैं। आप देखेंगे कि आपके बाल पहले जो चिपके हुए से दिख रहे थे, उनमें अब बाउंस आ गया है। अपने बालों के बीच में फिंगर्स को इस तरह से चलाएं, जिससे कि आपके बाल और भी ज्यादा फ्लफी दिखेंगे। इस तरह से मैं अपने सारे बालों को खोल लेती हूँ और आप मेरे बालों में पहले के अपेक्षा काफ़ी फर्क देख रहे होंगे। इसके अलावा आपको एक और ट्रिक को फॉलो करना है, इसके बाद आपके बालों में और भी ज़्यादा वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप अपने बालों में कॉम कर लीजिए। बालों में कॉम करते वक्त आपके बाल जिस साइड में नेचुरली गिरते हैं, उसके अपोजिट साइड में आपको अपने बालों में मांग निकालनी है।
और इसके बाद आपको अपने थोड़े से बाल लेने और उनमें इस तरह से कॉम्बिंग करनी है आपको। अगर आपके बाल काफ़ी पतले और बेजान हैं तो आपको अपने बालों में बैक कॉम्बिंग जरूर करनी चाहिए। जिस तरह मैं बालों को आगे पीछे मोशन में टीच कर रही हूँ आपको उसी तरह से करना है। ये आपके बालों में बहुत ही अच्छा वॉल्यूम देता है और ये काफ़ी इफेक्टिव तरीका भी है बालों में वॉल्यूम देने का। अभी मेरे बालों में कितना वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, फ्लफी दिखाई दे रहा है, वही मेरे बाल पहले कितने पतले और चिपके हुए दिखाई दे रहे थे। अब आप मेरे पहले और अब के बालों में कंपेयर कर सकते हैं कितना डिफरेंस है। आई होप कि आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो।